हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब रिक्वायरमेंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का कल फाइनल तरीके से स्कोर कार्ड आ गया है, जिसमें से आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं वो ऐड कर दिए गए हैं। और आपको बता दिया गया है कि यानी SSC द्वारा फाइनल तरीके से आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना बना है, यानी कि कितने कम हुए हैं, कितने इंक्रीज हुए हैं। पूरी जानकारी आपको कल शाम को SSC द्वारा फाइनल तरीके से प्रोवाइड हो सक चुकी है। तो हम आज बात करेंगे यानी फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि कट ऑफ गई तेल लेने, तो इस प्रकार से क्यों गई, तो इसके पीछे रीजन है कि यानी 25 मार्क्स का आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है और कंप्यूटर फॉर्म एक्टिंग आपका दिल्ली पुलिस के द्वारा होने वाला है, उनको क्वालिफाई करना है और टाइपिंग के आपको नंबर मिलेंगे। यानी आपकी टाइपिंग स्पीड है यानी कि 25 मार्क्स ही होने वाली है, ये 25 मार्क्स की होने वाली है हिंदी और इंग्लिश में। यानी कि वो स्टूडेंट की चॉइस के हिसाब से है किस में वो करना यानी कि कंफर्टेबल है, तो उस हिसाब से रहेगी। यानी कि बात करें तो यानी कि आपके 100 मार्क्स तो ये हो गए, यानी इस कट ऑफ का कोई कुछ ही नहीं बटने वाला है। जिस स्टूडेंट के यानी ये 71 मार्क्स बन रहे हैं ना, वो स्टूडेंट बेसब्री से रहे, उसके यानी कि ये 71 मार्क्स है काफी अच्छे मार्क्स है ये। यानी बड़े बड़े जो जिनके 71 मार्क्स है वो स्टूडेंट यानी जिसके 80 मार्क्स बन रहे हैं उनको भी मात दे सकता है। कैसे, इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल के साथ जानकारी प्रोवाइड करूंगा। वीडियो पूरा वॉच करना, और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सही सुना आपने कि कट ऑफ गई तेल लेने, ये 100 मार्क्स का पेपर हुआ था, इसका कोई मतलब नहीं है। अब होगा इसका रोल 25 मार्क्स। तो अब जानिए क्या है इसमें प्रोसेस। तो आपकी हिंदी में आपको 25 वर्ड एक मिनट में टाइप करने हैं, और इंग्लिश में 30 वर्ड टाइपिंग करने हैं। तो ये तो यानी कि आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे यानी 25 मार्क्स का होने वाला है हिंदी और इंग्लिश का। तो अब खेल कहां से शुरू होता है ये जानिए। अगर आपकी यानी कि 75 से 100% के मध्य स्पीड है, यानी स्पीड आपकी 25 यानी शब्द पूरे 25 हिंदी में छाप रहे हो या इंग्लिश में 30 वर्ड छाप रहे हो, आप टाइपिंग कर रहे हो 30 की स्पीड से या 32 की है, किसी के 35 की है, यानी इंग्लिश की कम से कम इंग्लिश की मैंने देखा 45-50 तक स्पीड है स्टूडेंट की। मेरी भी अभी 35 तक स्पीड है, यानी वो भी एक्यूरेसी के साथ, कम से कम 95% एक्यूरेसी है मेरी टाइपिंग में। तो यानी कि 75 से 100% के मध्य यानी जिसकी एक्यूरेसी है उसको कितना मार्क्स मिलने वाला है, उनको 18 मार्क्स मिलने वाला है। यानी जिसकी 75% एक्यूरेसी है, जिसकी 100% एक्यूरेसी है, उनको पूरे में से पूरे 25 मार्क्स लेने मिलने वाला है। तो यहाँ देखिए, जिसके 71 है और 25 ये ऐड हो गए और उसके पास या तो NCC है या कोई एडिशनल डिग्री है, तो उसको यानी कि जिसके आपके ये एग्जाम हुआ था इसमें से 5% यानी इसका जितने आपके मार्क्स बन रहे उससे 5% वो मार्क्स ऐड हो जाएंगे। तो ये कट ऑफ तेल लेने जाओ या कहीं जाओ कोई मतलब नहीं इसका। यानी 25 और यानी जिस स्टूडेंट के यानी ये 71 मार्क्स है छिड़वा मार्क्स हो गए, यानी ऑलरेडी छिड़वा मार्क्स हो गए, और उस स्टूडेंट के यानी छिड़वा मार्क्स हो गए और बात करें छिड़वा मार्क्स और साथ में उसके पास कोई एडिशनल डिग्री है, ग्रेजुएशन MA BSc BCOM ये एडिशनल डिग्री है, तो मान लीजिए 1 या 2 मार्क्स और बढ़ गए 98 मार्क्स हो गए, उसका सिलेक्शन कौन डांटने वाला है। अब खेल होगा यानी टाइपिंग स्पीड का, मेन रोल यही है टाइपिंग स्पीड कैसी होनी चाहिए आपकी, यानी टाइपिंग स्पीड की, यानी आपकी स्पीड यानी इंग्लिश में 30 वर्ड नहीं 35 वर्ड होना चाहिए इंग्लिश में, और हिंदी में आपकी 25 नहीं 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। ये तो क्वालिफाई है भाई, यहाँ पर आप करते हो तो आप क्वालिफाई होते हो, फिर देखी जाएगी आपकी स्पीड, पहले तो स्पीड और फिर आपकी एक्यूरेसी, जितनी आपकी एक्यूरेसी अच्छी है यानी कि कोई एरर नहीं है टाइपिंग में, तो आपको यानी 25 में से 25 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि आप पूरे ऑथेंटिक तरीके से यानी सही तरीके से टाइपिंग करते हो उसमें बाय मिस्टेक, तो पूरे मार्क्स मिलेंगे।
तो यही है मेन रोल, यानी कि आप कट ऑफ, ये कट ऑफ है जो आपकी ये पेपर की कट ऑफ है, यानी कि पोस्ट के 20 गुना अराउंड में आपको क्वालिफाई किया गया है, यानी कि फाइनल कट ऑफ, कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है, यानी दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल की कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है। जिस स्टूडेंट की टाइपिंग एक्यूरेसी अच्छी है वो स्टूडेंट इसमें फाइनल सिलेक्शन लेगा। ये मार्क्स है, ये जिसके मार्क्स, यानी कोई गर्ल्स मार्क्स है, गर्ल्स यानी कि कोई लड़की है उसके 70 मार्क्स बन रहे हैं, उसको टाइपिंग ही नहीं आती है तो घंटा सिलेक्शन होगा क्या एग्जाम में, ये बताए मेरे को। तो इसका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर इसी ये, अगर किसी लड़की के, यानी ये बात कीजिए सुमन नाम की लड़की कोई, और इसके 60.82 मार्क्स ही बन रहे, इसने टाइपिंग स्पीड अच्छी कर ली, भाई साहब इसके 25 नंबर ये मिल गए, यानी कि 70, 80, 85, 86 मार्क्स हो गए, तो इसका सिलेक्शन कौन डांटने वाला है। इसकी टाइपिंग ही अच्छी नहीं है तो इसका सिलेक्शन वैसे ही रुक जाएगा, यानी 15 या 10 नंबर मिलेंगे, इससे क्या होने वाला है। तो तभी मैंने बोला है थंबनेल में, पहले लिखा है कट ऑफ गई तेल लेने, तो कट ऑफ का कुछ ही नहीं बटने वाला। इस राउंड में आपको क्वालिफाई किया गया था, और एक आपको कट ऑफ बताऊंगा, यानी कि कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। जो आपको कंप्यूटर फॉर्म एक्टिंग वाला टेस्ट है वो क्वालिफाई करना होगा आपको, यानी कि उसमें 3 स्टेप है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट है, इस हिसाब से कुछ है, 3 वो है, मैंने इतना अच्छा तरीके से नहीं देखा, वो है इसमें 3, उसमें से हर में, यानी एमएस एक्सेल में 20 टॉपिक है, तो 20 में से आपको एक, यानी इसमें 10 मिनट का तो टाइम मिलेगा, एक टॉपिक का आधा मार्क्स मिलेगा, यानी टोटल 10 मार्क्स हो गए, उसमें से आपको 6 मार्क्स लेके आने हैं। यानी अगर आपको ये क्वालिफाई करना है इनको, तो फॉर्म एक्टिंग वाला, तो उसको यानी 6 मार्क्स लेके आने हैं, तो उसका कोई रोल नहीं है, वो तो सभी स्टूडेंट का हो सकता है, हेल्प भी ले सकता है, यानी कि वो, और तो ये दिल्ली पुलिस के द्वारा होगा। मेन रोल है टाइपिंग, तो हम एक टाइपिंग की स्पीड यानी कि यहाँ लेकर चलते हैं, यानी कि 75% टाइपिंग, तो 75% टाइपिंग की यानी कि मार्क्स की बात करें तो यानी 18 मार्क्स हो रहे हैं ऑलरेडी, यानी 18 मार्क्स ऑलरेडी हो रहे हैं जिस स्टूडेंट के, यानी इससे कट ऑफ है, कट ऑफ मेंटेन नहीं करेगी भाई, इसमें कट ऑफ क्या रहने वाली, कट ऑफ बताए तो किस आधार पर बताए, स्पीड कैसी है, जिसकी स्पीड अच्छी है, एक्यूरेसी अच्छी है, स्पीड भी नहीं एक्यूरेसी अच्छी है, ये तो यहाँ पर इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट करनी है, एक्यूरेसी डिपेंड करेगी, एक्यूरेसी अच्छी है तो आपको 25 मार्क्स दे दिया जाएगा, वैसा 25 मार्क्स ये हो गए या ये हो गए, तो उसके 96 नंबर ऑलरेडी हो गए, या एनसीसी तो शायद तक मिलेगी बिल्कुल भी न के बराबर है, जो हेड कॉन्स्टेबल से उनके यानी कि 5% हो सकती है, लेकिन एडिशनल डिग्री है ना, एडिशनल डिग्री 70% मिलेगी। और कट ऑफ के लिए सबसे बड़ा अहम रोल है कि आप फिजिकल पास करते हो, फिजिकल पास करते हो, लगभग आपके चांस बढ़ते हैं फिजिकल पास करते ही, यानी इस वैकेंसी में, क्योंकि आधे स्टूडेंट फिजिकल में डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, अटेंडेंस नहीं रहेगी उनकी, खेल के हाइट में रह जाएंगे, कोई दौड़ में रह जाएगा, तो फिर आप यहाँ ये जो कट ऑफ दे रही है इस राउंड में आपके मार्क्स है, यानी कि जिन स्टूडेंट के यानी यूआर में 71 मार्क्स है, ओबीसी में 66 है, ईडब्ल्यूएस में 66 है, एससी में 62 है, कोई घबराने की और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप तो स्पीड कीजिए टाइपिंग की, टाइपिंग में आपको एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, और थोड़े से जो ये फॉर्म एक्टिंग वाला है ना, ये 3 टॉपिक एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, उनके 60 टॉपिक है वो दे रखे हैं उसमें, वो अच्छी तरीके से देख लेना, उनकी प्रिपरेशन कर लेना, वहां से तो आप हो गए क्वालिफाई, और यहाँ टाइपिंग से आपकी बढ़ेगी कट ऑफ, और वैसे ही कट ऑफ, और जिसके पास एडिशनल डिग्री है वो जरूर लेके जाना फिजिकल के टाइम, वो जरूर लगाना, उससे आपके यानी कि कहीं ना कहीं आपको इसमें फायदा होगा, इस वैकेंसी में दिल्ली पुलिस के जो आप हेड कॉन्स्टेबल की वैकेंसी है इसमें फायदा होगा। तो आपको फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करें, तो आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, अगर आपकी स्पीड, अगर जिस स्टूडेंट की यानी कि स्पीड 25% की बात करें, अगर स्टूडेंट 25 मार्क्स से लेके आता है तो यानी कि ये आपकी कट ऑफ 96 चली जाती है, यही फाइनल कट ऑफ रहेगी, देख लेना 96 या 98, यानी 96 कह सकते हो या फिर 98 कह सकते हो। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसके मार्क्स 71 है लेकिन उसकी एक्यूरेसी की बात करें, टाइपिंग स्पीड की बात करें, बहुत अच्छी है, ये नहीं कि इसमें 78 है और उस वो कर रहा है 15 मार्क्स लेके आ रहा है एक्यूरेसी में और स्पीड में,
तो घंटा है उसके नंबर का कुछ नहीं बटने वाला है, तो 71 मार्क्स है उसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, यानी वो 25 मार्क्स लेके आ रहा पूरे में पूरी, तो उनका सिलेक्शन होगा। तो समझ रहे मेरी बात, यही है मैनुअल टाइपिंग का, ये टाइपिंग की एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, और ये टाइपिंग के 25 नंबर आपके सीधी सी बात है ऐड होंगे इस एग्जाम में जो दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल की है। और आपकी फिजिकल की डेट की बात करें तो आपका यानी कि फरवरी मध्य में या फरवरी लास्ट के बीच में कहीं इसी अराउंड में आपके 15 दिन है, उसी अंदर आपके फिजिकल होने वाले हैं और दिल्ली पुलिस के द्वारा कंडक्ट हो गई, और दिल्ली पुलिस के खुद के ग्राउंड है दिल्ली में, वहीं आपके फिजिकल होने वाले हैं। और ये जो टोटल स्टूडेंट है, ये लगभग आप स्टूडेंट कह सकते हैं, ये 16-17 हज़ार स्टूडेंट है ये यहाँ स्टूडेंट देख रहे हो। ये स्टूडेंट यानी कैटेगरी वाइज पास हुए, कैटेगरी में सभी यूआर कैटेगरी में सभी स्टूडेंट क्वालिफाई है। और यहाँ कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ यहाँ कितनी रहेगी, यानी 92 से 93 कट ऑफ रहने वाली है, जिसकी 100% अच्छी एक्यूरेसी है उसके लिए बता रहा हूँ। तो आप इसमें 25 मार्क्स एड कर लेना सभी में, यहाँ पर 25 मार्क्स एड कर लेना। अब किसी की एक्यूरेसी यानी कि वो कंप्यूटर ऑटोमेटिक बता देगा, यानी कि आपकी एक्यूरेसी कितनी, 75% है, 80% है, 90% है, 60% है, 65% है, 95% है, 100% है, तो वो एक्यूरेसी है उसमें ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी यानी आप उसको टाइपिंग बताएगा, यानी 100% बता दी आपकी एक्यूरेसी अच्छी है और स्पीड पूरी कवर कर ली आपने, यानी कि आपने 25 वर्ड हिंदी में पूरे कंप्लीट कर लिए, तो आपको ऑटोमेटिकली कंप्यूटर है ना 25 मार्क्स दे देगा, यानी आपने यानी 100% एक्यूरेसी है तो आपको ऑटोमेटिक 25 मार्क्स दे देगा। और जिस स्टूडेंट के 71 मार्क्स बन रहे हैं उसके ऑलरेडी 96 या 97 मार्क्स ऑलरेडी बन जाएंगे। हाँ ये जरूर है थोड़ा सा कट ऑफ में आपको यानी 25 नंबर जो आपकी कट ऑफ रही उसमें 25 नंबर ऐड करना है, उसमें 2 या 3 मार्क्स और ऐड करना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी अच्छा खासा हुआ है, कट ऑफ आपको इसी राउंड में देखने को मिलेगी, यानी जो आपकी कट ऑफ रही है यानी कि जो आपकी पीटी पीएसटी मेजरमेंट टेस्ट होने वाला उसकी कट ऑफ रही है उसमें 25 नंबर ऐड करना। और साथ में फाइनल कट ऑफ के लिए बता रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, 25 नंबर ऐड कर लेना, और उसमें यानी आप 2 या 3 मार्क्स और ऐड कर सकते हैं वो कि एडिशनल डिग्री के, या फिर एडिशनल डिग्री किसी के यानी एक्यूरेसी कम होगी तो किसी के एक एडिशनल डिग्री के जुड़ जाएंगे, किसी के नॉर्मलाइजेशन में यानी कट ऑफ से ये तो है नहीं भाई कम जुड़े। मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी है उसमें पोल करा रखी है, वहाँ आप जाकर देख लेना और आप वहाँ अपना वोट देना कि आप यानी कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको एक फाइनल तरीके से और कुछ जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। और जल्द ही मेरा वीडियो आ रहा है टाइपिंग टेस्ट को लेकर, यानी टाइपिंग टेस्ट करते समय कौन कौन सी सावधानी होनी चाहिए, और जो ये क्वालिफाइड है एमएस वर्ड एमएस एक्सेल इसके बारे में पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे गवर्नमेंट जॉब संबंधित लेटेस्ट अपडेट है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड हो सके। और जो अब आपका एसएससी हेड कॉन्स्टेबल दिल्ली पुलिस का जो भी आपका अब नोटिफिकेशन आने वाला है वो फिजिकल को लेकर ही आएगा और कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाला। चले फ्रेंड्स धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हुए, तब तक के लिए जय हिंद।